आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। पंडित नेहरू के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे नेता होंगे। राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 पर होगा शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण समारोह से पहले नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। वॉर मेमोरियल पर शहीदों को किया नमन। पीएम मोदी के अलावा 3 दर्जन से अधिक सांसद आज ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी ले सकते हैं शपथ। टीडीपी और जेडीयू से 2-2 और शिवसेना से 1 कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी, एलजेपी और जेडीएस के कोटे से भी बन सकता है 1 कैबिनेट मंत्री। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के साक्षी बनेंगे पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष। बांग्लादेश, नेपाल के पीएम के साथ मालदीव, श्रीलंका और भूटान के राष्ट्राध्यक्ष शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। कुल 8,000 मेहमान बनेंगे ऐतिहासिक पल का गवाह। कांग्रेस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पर संशय बरकरार। जयराम रमेश का दावा, कहा शपथ ग्रहण समारोह में हमें नहीं दिया गया न्योता। ममता बनर्जी भी भड़की, कहा इन्विटेशन मिलता भी तो भी नहीं जाती। शपथ ग्रहण समारोह के लिए अभेद किला बनी राजधानी। ड्रोन पर बैन के साथ इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। सुरक्षा में पैरामिलिट्री की 5 कंपनियां तैनात। 500 सीसीटीवी से की जा रही निगरानी। खत्म नहीं हो रहा है दिल्ली का जल संकट। ओखला इलाके में टैंकर के जरिए पानी की आपूर्ति। मयूर विहार इलाके में दिखी लंबी कतार। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच होगी टक्कर। न्यूयॉर्क में रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच।